दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले गए 3 मैचों की T20 सीरीज भारत ने 2-0 से जीती है, लेकिन भारत की जीत से एक खिलाड़ी ऐसा भी है जो बेहद नाखुश है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि और कोई नहीं ये बल्कि विरोधी टीम के कप्तान टिम साउदी हैं जो बहुत ही नाखुश हैं। उन्होंने अपनी टीम की हार का कारण बताते हुए रोहित शर्मा पर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने पंत के लिए भी कुछ ऐसी बातें कही और आज की वीडियो में हम आपको सारी बातें बताएंगे टिम साउदी के बयान के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है बेहतरीन कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले इस मैच में गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए और जीत के लिए भारत को 154 रन का टारगेट दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन ग्लेन फिलिप्स ने बनाए और उन्होंने 21 गेंदों में 34 रन की पारी खेली और इसके साथ ही मार्टिन गोगिल ने 15 गेंदों में 36 रन बनाए और भारतीय टीम की तरफ से हर्षल पटेल ने 2 विकेट लिए और वहीं अन्य गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिला। दोस्तों न्यूजीलैंड के द्वारा दिए गए 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और केएल राहुल ने अर्धशतक की पारी के दम पर 17.2 ओवर में 3 विकेट पर 155 रन बनाते हुए 7 विकेट से इस मैच में जीत दर्ज कर ली। ऋषभ पंत ने छक्का लगाकर इस मैच में जीत हासिल की। रांची में ये भारत का तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच था और भारत ने इस मैदान पर जीत की हैट्रिक पूरी कर ली है और दूसरे मैच में जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त हासिल कर ली है और सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैच में जहां केएल राहुल ने उन्होंने 10 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली और वहीं 36 गेंदों में 55 रन बनाकर रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को जीत दिलाई और साथ ही ऋषभ पंत ने 6 गेंदों में 12 रन की पारी खेली और वहीं वेंकटेश अय्यर ने 11 गेंदों में 12 रन का योगदान दिया। लेकिन दोस्तों इस हार के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में टिम साउदी ने न्यूजीलैंड की हार का कारण उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने बेहद ही लचर प्रदर्शन करके दिखा और हम भारतीय टीम से जीतना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। टिम साउदी ने कहा कि भारतीय टीम ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया और क्रेडिट देना होगा रोहित शर्मा को जिन्होंने बेहतरीन कप्तानी करके हमारी टीम को बड़ा लक्ष्य नहीं बनाने दिया और रोहित शर्मा जैसा कप्तान किसी भी टीम के पास में होना बेहद ही गर्व की बात है। दोस्तों इसके बाद कीवी कप्तान ने कहा कि रोहित शर्मा ने जिस तरह से इस मैच में अपनी पूरी सीरीज में कप्तानी करी है वो बेहद ही लाजवाब था और रोहित शर्मा ने IPL में 5 बार मुंबई इंडियंस को जिताया है और साथ ही अब भारत के कप्तान बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि वो भारतीय टीम के लिए आने वाले कई मैचों में सीरीज जिताएंगे और साथ ही साथ वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करके भी दिखाएंगे। दोस्तों इसके बाद टिम साउदी ने कहा कि हमारी टीम के गेंदबाजों ने आज बेहद खराब गेंदबाजी करी और राहुल और रोहित के आते ही हमारी टीम पर अटैक कर दिया उन्होंने और जिस तरह से बल्लेबाजी की उन्होंने उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि पहले 10 ओवर में ही मैच हमसे दूर चला गया और हम पीछे रह गए और अंत में जिस तरह से पंत ने बल्लेबाजी करी उसने तो सभी को हैरान करके रख दिया। धोनी के अंदाज में छक्के लगा रहे हैं वो और ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत भारतीय टीम के लिए नए फिनिशर बनकर उभरेंगे। और वहीं टिम साउदी ने कहा कि इस मैच में हारने के बाद मैं बेहद निराश हूं परंतु हम आखिरी मैच में वापसी करना चाहेंगे। दोस्तों टिम साउदी के इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा के आने से भारतीय टीम की किस्मत बदल गई है, परंतु आप सभी को क्या लगता है कि क्या रोहित शर्मा आने वाले समय में भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिता पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।